स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टिचवेल एमएम पे। आज हम लोग एक डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो जिसके लिए ये ब्लाउज की लाइनिंग है और ये ब्लाउज का कपड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये मैंने कपड़े को फोर फोल्ड में बिछा लिया है, ये देख सकते हैं, एक दो और ये दो, फोर फोल्ड में बिछा लिया है। और ये प्रिंसेस कट नहीं, टैकिंग वाला ब्लाउज बनाऊंगी मैं, तो उस हिसाब से कटिंग होगी। पहले मैं यहां से एक लाइन खींच लूंगी क्योंकि नीचे बहुत थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है, इसलिए अब लेंथ चाहिए हमें 15, फिर यहां से शोल्डर लूंगी मैं 7.5, फिर यहां से मैं सीधा कर दूंगी। अब आर्म होल के लिए भी मैं 7.5 लूंगी। पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पे 7.5 है, ठीक है कि नहीं, ये यहाँ तक आ रहा है। आधा इंच अंदर की तरफ लूंगी, आर्म होल का जो कोना ही है यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ, ये फ्रंट के लिए है। अब यहाँ से चेस्ट का माप लूंगी मैं जो 11.5 इंच, यहां से मैं सीधा कर लेती हूं। अब नीचे से भी मुझे 11.5 ही चाहिए। अब इन मार्क को सीधा कर लेते हैं, इसे यहां से सीधा कर लिए, यहां से, फिर यहां से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोलाई देंगे, ये बैक साइड के लिए है और यहाँ पे एक गोलाई ये फ्रंट साइड के लिए है। अब हम क्या करेंगे, इसे पहले काट लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने काट लिए है। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम अभी अलग रखेंगे और एक पार्ट को हम लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है जो यहाँ पे आर्म होल किया हुआ है। अब मैं जो डिजाइन बनाने वाली हूँ उसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। आप अगर यही डिजाइन बनाना चाहते हैं तो अच्छे से आप पहले मेजरमेंट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कटिंग कीजिए। मैं शोल्डर के यहां से यहाँ पे 7 पे मार्क कर रही हूँ। मुझे 7.5 चाहिए, लेकिन मैंने 7 पे इसलिए मार्क किए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरी सिलाई आएगी तो 1/2 इंच ऐसे भी मुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगी। और बीच में सेंटर में मैं 8 पे मार्क करूंगी। और ये जो आर्म होल की जो ये है, यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ। अब इन तीनों मार्क को ऐसे हम शेप दे देंगे, तीनों मार्क को ऐसे हम शेप दे देंगे। अब हम यहीं से काट लेते हैं। बैक पार्ट पे हमें क्या करना है, शोल्डर के इधर से हमें 7 पे मार्क करना है और मिडिल पे भी हमें यहीं पे 7 पे मार्क करना है। अब इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है ऐसे, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है हमें, बस यही काट लेनी है। तो ये हमारा बैक साइड है। अब हम क्या करेंगे,
इसी हिसाब से हम लाइनिंग को काट लेंगे। तो आइए लाइनिंग को पहले हम काट लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने लाइनिंग काट लिए हैं, ये फ्रंट साइड का और ये बैक साइड का। अब हम क्या करेंगे, ये जो काटे थे हमने बैक साइड और फ्रंट साइड का, ये हमें अभी फेंकना नहीं है, ये हमें चाहिए। ये हम क्या करेंगे, इसका हम पेपर कटिंग करेंगे। ऐसे आप पेपर पे बिछा के एकदम ऐसे पेपर पे बिछा लीजिए, ऐसे हम पेपर कटिंग करेंगे। शोल्डर की तरफ जितना है हमें उतना चाहिए, आर्म होल की तरफ जितना है हमें उतना चाहिए, लेकिन ये नीचे की तरफ हम आधा इंच ज्यादा लेंगे, हाफ इंच हम ऐसे ज्यादा लेंगे। अब इसे हम काट लेते हैं। नीचे की तरफ हमें आधा इंच ऐसे चाहिए और फिर इसे मार्क करेंगे। शोल्डर की तरफ एकदम एक ही समान में चाहिए, आर्म होल की तरफ भी जैसा है वैसा ही चाहिए हमें, सिर्फ नीचे की तरफ हमें आधा इंच चाहिए। अब इसे भी हम काट लेते हैं। हमारी कटिंग हो गई है। तो आइए अब स्टिचिंग के लिए चलते हैं। ये हमारी फ्रंट साइड है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात कहनी थी मुझे, ये तो देखा था आपने मैंने काटे, ये हमारा कपड़ा है ब्लाउज और ये लाइनिंग है, और मैंने ये एक कपड़ा लिया है, ये लाइनिंग नहीं है, ये भी एक कपड़ा ही है मोटा। ये फ्रंट साइड में दो लाइनिंग की तरह काम करेगा, क्योंकि मैं इसमें पैच लगाने वाली हूँ। तो मैं आपसे भी कहूंगी, अगर आप पैच लगाने वाले हैं ब्लाउज में तो डबल लाइनिंग का इस्तेमाल कीजिए, इससे अच्छा लगता है और वो पैच अंदर से भी मतलब दिखाई नहीं देता है, तो वो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये डबल लाइनिंग यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसे साइड पे रख लेती हूँ, और ये जो पतला वाला लाइनिंग है, ये इस लाइनिंग को पहले मैं ब्लाउज के कपड़े से अच्छे से चारों तरफ से इसमें अटैच कर लेती हूँ, जैसे लाइनिंग करते हैं अटैच, वैसे अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको सिलते हुए नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरी मशीन बहुत ज्यादा नॉइज करती है, इसलिए मैं पहले सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लाइनिंग इस पे अटैच कर लिए है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एकदम चारों तरफ से इसके साथ ही इसे ऐसे सिल लेने हैं, ताकि एक साथ एक ही कपड़ा बन जाए। अब हमें क्या करना है, इसमें मार्क करना है टैगिंग के लिए। इसे हम पहले फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करते हैं टैगिंग के लिए, कंधों के शोल्डर से हम नीचे की तरफ 10 पे मार्क करते हैं। तो जब हमने ये काटे थे तो आपको याद है, ये है हमने शोल्डर से 7 पे मार्क किए थे, वही से काटे हैं हमने। तो अब हम क्या करेंगे, 7 को यहीं पे रखेंगे और ये 10, ये हमारा मार्क हमें मिल गया। अब यहां से बीच में से हमें 3.5 चाहिए, तो फिर इस 10 को हम यहाँ पे लाएंगे, ये है सेंटर का मार्क, ये है सेंटर का मार्क। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी करनी है,
पहले हम 7 को यहाँ पे रखेंगे, ये 7, और फिर यहाँ पे 10 पे एक निशान लगाएंगे, फिर बीच में से 3.5 ऐसे लेंगे, ये हमारा सेंटर का मार्क है। अब चाहे तो नीचे की तरफ एक 3.5 ऐसे दे सकते हैं, ताकि यहाँ से सीधा ये ऐसे आएगा। आप चाहे तो ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं भी खींच सकते, अब सीधा ऐसे पकड़ेंगे तो भी आ जाएगा। ये हो गया। अब ऐसे ही हमें ये जो फ्रंट साइड का जिसमें हम पैड लगाने वाले हैं, इस पे भी हमें ऐसे ही मार्क करनी है। मैंने ये टैकिंग लगा दी है, ये दो टैकिंग हमने लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पैड है पहले हम इसे उल्टा करेंगे ऐसे। अब इस टेप को आप अच्छे से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रिवाइंड करके 2-3 बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम पैड को ऐसे उल्टा कर लेंगे दोनों को एक ही साथ। इससे क्या होता है कि आपको मतलब बार बार एक ही गलती नहीं हो जाती, क्योंकि मैं भी जब पहली बार पैड लगाई थी ब्लाउज में, मैंने 4 बार उसे सिलाई किए और फिर खोले, मेरा तो पैड भी खराब हो गया था, क्योंकि वो बार बार खोलते खोलते, क्योंकि मैं जितना भी ठीक से देख के लगा रही थी फिर भी वो उल्टा ही हो रहा था। तो अब तो काम करते करते मुझे ये आइडिया हो गई है, तो गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे आपको बिछा लेना है, फिर आपको ये कपड़ा जो है, एक कपड़े को सीधा अच्छे से देखिए, ये सीधा है, टैकिंग इसके अंदर की तरफ है, ये सीधा ऐसे बिछा लेना है। अब ऐसे, अब हाथ से ऐसे अच्छे से, यहाँ पे आप पिन की मदद लीजिए, मैं भी यहाँ पे पिन की मदद ले रही हूँ। यहाँ पे एकदम ये जो हमारा सिलाई है, इस सिलाई को हमें सेंटर पे रखना है, और इसे यहाँ पे ऐसे जस्ट पिन से इसे यहाँ पे अटैच कर देना है। इसे भी हमें इसे बीच में रखते हुए इसे भी हम पिन से यहाँ पे ऐसे इसे अटैच कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब इसे हम मशीन के अंदर डालेंगे, देख लीजिए पिन का मुंह किस तरफ है, पिन का मुंह इस तरफ है। इसे अच्छे से यहाँ पे एकदम सेंटर पे लाके ऐसे चारों तरफ से आपको ऐसे कपड़ा खींच के सीधा कर लेना है। जैसे आपने बीच पे रखा, बीच में रखने के बाद आपको चारों तरफ से ऐसे कपड़ा खींच के ठीक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सिलाई लगा ली है। ऐसे ही आपको चारों तरफ से सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि आप चारों तरफ से सिलाई करेंगे ना तो एक कपड़ा खिंचा हुआ रहता है, अच्छे से पैड बैठता नहीं है, इसलिए हम चारों तरफ से नहीं सिलाई करते, सिर्फ सेंटर पे ऐसे ही आपको एक इस तरफ से एक इस तरफ से ऐसे एक जिगजैग से सिलाई कर लेनी है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से ये मैंने जैसे किया है, बिल्कुल इसी तरह से इसे भी हमें करनी है। पहले हम ऐसे अच्छे से इसे चारों तरफ से खींच के ऐसे ही हम मशीन के अंदर डालेंगे। जैसे ही बीच में चला जाता है, अच्छे से चारों तरफ से कपड़ा ऐसे खींच के हम सीधा कर लेंगे। फिर पिन का मुंह कहाँ पे है देखेंगे, फिर पिन को हम निकाल लेंगे। निकाल लिए, अब सिर्फ इसमें हमें सिलाई लगानी है। ये बहुत आसान है, आप एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा। ये दोनों पैड हमने सिलाई कर लिए है, दोनों पैड ऐसे हमने लगा लिए है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे भी हमने पैकिंग लगा के रखे हैं, तो इसे हम उल्टा बिछाएंगे और इसके ऊपर ही हम इसे ऐसे
सीधा बिठाएंगे, देख लीजिए ऐसे, इसे हम ऐसे सीधा बिठाएंगे। बिठाने के बाद इसे भी अब चारों तरफ से, जैसे हमने लाइनिंग, जैसे हम लाइनिंग अटैच करते हैं, ये वाली लाइनिंग हमने अटैच की है, वैसे इसे भी अब इसके साथ अटैच कर देंगे चारों तरफ से सिलाई करके। सो फ्रेंड्स, ये कटोरी लग गई है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो खुला साइड, ये जो खुला हुआ मुंह है ऊपर की तरफ, राउंड शेप जहाँ पे है, हम यहाँ पे पहले इस यहाँ पे लाइनिंग लगा के इससे पहले हम ऐसे मोड़ लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये पीछे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट भी मैंने लाइनिंग अटैच कर लिए है, और ये ऊपर की तरफ जो इसका मुंह है इसे भी मैंने मोड़ लिए है। अब इसे साइड पे रखते हैं, और ये फ्रंट साइड का भी मुंह मैंने ऐसे ऐसे मोड़ दिया है। अब इसे भी हम साइड पे रखते हैं। अब जो काम है वो है ये, हमें ऐसे पट्टी चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा बड़ा लंबा हो तो आप उससे भी कपड़ा आपके पास है तो आप काट सकते हैं, और इससे ज्यादा चौड़ा या और भी पतला करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने ये मेरा स्केल है, इस स्केल के हिसाब से ही मैंने काटे हैं। ये स्केल जितना चौड़ी है उतना चौड़ी मैंने ये सारी पट्टी काटे हैं, लेकिन आपको एक ही माप का चाहिए, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा ऐसा नहीं चाहिए, हमें एक ही माप का ऐसे पट्टी चाहिए। पहले हम इस पट्टी को डोरी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो क्या करना है, हमें ये फोल्ड कर करके डोरी नहीं बनानी है, जस्ट ऐसे एक ही फोल्ड करके हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, फिर उसे हम उल्टा कर लेंगे। जैसे हम ब्लाउज के पीछे लगाने के लिए डोरी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये उससे थोड़ा मोटा होगा, तो ज्यादा पतला नहीं, क्योंकि हम इसे एक ही फोल्ड करेंगे और एकदम यहीं से किनारे से सिलाई लगा कर फिर इसे सीधा। फ्रेंड्स, ये हमारी डोरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन सारे डोरी को हम प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। जैसे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है ऐसे, तो इसे हम अच्छे से प्रेस करके ऐसे इसे सीधा कर लेंगे। तो ये कर लेते हैं, ये हमने प्रेस से चिपका लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पेपर चाहिए, जो पेपर हमने उस टाइम बोला था कि ये हमें संभाल के रखना है, ये पेपर अब हमें चाहिए। अब इसमें से ये हमारा फ्रंट साइड है जो कि राउंड शेप में है, और ये स्ट्रेट वाला बैक साइड है। तो किसी भी साइड को हम लेंगे, पहले हम फ्रंट साइड को ही लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है, ये जो फ्रंट साइड का पेपर है, इस पेपर को हमने नेक नहीं काटे थे, अब हम पहले इसे नेक काट लेंगे। अब नेक काटने के लिए हम क्या करेंगे, हम बॉट नेक बनाएंगे। तो यहां से हम 4 इंच लेंगे, और यहां से भी 4 इंच, यहां से 4, यहां से 4। अब इसे राउंड शेप देंगे, ये राउंड शेप दे दिया है। अब इसे कट लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरे पेपर में ऐसे लगा लिए हैं, नीचे से भी सिलाई कर लिए है, और इधर आर्म होल की तरफ से भी, और ये नेक की तरफ से भी। अब
ये ऐसे ही देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना, तो आप सोचिए कि ये जब मैं पूरा ब्लाउज कंप्लीट करूंगी तो कितना सुंदर लगेगा। तो ये हमारा फ्रंट साइड का रेडी हो गया है, जिसे हम अभी साइड पे रख लेते हैं। अब बैक साइड पे भी हमने नेक कटिंग नहीं की है, तो पहले हम इसे भी नेक काट लेते हैं इसका। इस पे फ्रंट साइड पे हमने जैसा किया है बिल्कुल वैसा ही हमें बैक साइड पे भी करनी है, तो आइए कर लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स, ये है, हमने लगा लिए है, ये फ्रंट पार्ट का है और ये बैक पार्ट का है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब ये नेक पे हमें पाइपिंग लगानी है। ये मैं तो सेम कलर में ले रही हूँ, आप चाहे तो आप अगर दूसरा कलर यूज करना चाहे तो आप कलर कॉम्बिनेशन करके आप दूसरा कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही कलर का चाहिए, इसलिए मैं सेम कलर की कपड़े से सेमी कपड़े से पहले हम ये दोनों पीछे और सामने के गले में हम पाइपिंग लगा लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे जैसे कि ये हमने फ्रंट पार्ट लिए है, अब इसे ऐसे रख के सेंटर से ऐसे सेंटर में ऐसे रख के, ज्यादा नहीं, हाफ इंच ये पेपर हमने ज्यादा काटा था आपको याद है, तो वही आधा इंच ही हमें अंदर की तरफ लेना है और इसे ऐसे ही हमें सिल लेनी है। आधा इंच पेपर को हम अंदर की तरफ ऐसे लेंगे और फिर इसे ऐसे इसके साथ ऐसे हमें सिल लेने हैं। तो आइए सिल लेते हैं, पहले दोनों पार्ट को ही हमने अटैच कर लिए है, ये बैक का है ये फ्रंट का है। अब हमें क्या करना है, ये सीधा है और इसे हम उल्टा ऐसे रखेंगे और ये शोल्डर को पहले हम सिल लेंगे। और ये याद रखना है कि आर्म होल की तरफ हम आधा इंच ज्यादा सिलेंगे, अभी ये पेपर है इसलिए हम कटिंग नहीं करेंगे, बट हम ज्यादा सिलेंगे इसलिए क्योंकि हमने शोल्डर डाउन नहीं किया है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ज्यादा सिलेंगे। तो पहले हम दोनों शोल्डर को पहले सिल लेते हैं, फिर सिलने के बाद जैसे हमने गले पे पाइपिंग लगाए है वैसे ही हमें दोनों आर्म होल पे भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो पहले हम शोल्डर सिल के और पाइपिंग लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस पेपर को आप फाड़ के फेंक सकते हैं। जब तक के ये गले का पाइपिंग और आर्म होल का पाइपिंग ना हो जाए तब तक आप पेपर को फाड़िएगा मत, नहीं तो आप फिर ये पाइपिंग लगाना नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये जो हमने ये जो डोरी लगाई है ये सब इधर उधर हो जाएगा। तो अब पाइपिंग लग गई है, तो अब हम इस पेपर को फाड़ के फेंक सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आपने देखा है ये मैंने कहीं से भी हुक लगाने के लिए नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं इसमें जिप लगाने वाली हूँ, तो इसलिए आज आप लोगों को जिप लगाना भी सीखने को मिलेगी। तो ये मैंने एक साइड से ऐसे सिलाई लगा लिए है, अब पहले मैं मेजर कर लूंगी, मेजर करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। मेजरमेंट कर लिए है और एक साइड पे मैंने अपने मेजरमेंट के अनुसार एक साइड ऐसे मैंने सिलाई लगा दी है और एक साइड पे ये मैंने मार्क कर लिया है, इसी मार्क पे हमें चेन लगानी है, इसी मार्क के ऊपर हमें चेन लगानी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे लगाते हैं चेन। अब ये जो आर्म होल है यहाँ से एक इंच नीचे एक मार्क करेंगे हम, क्योंकि हमारी चेन यहीं तक आनी है, आर्म होल के यहाँ से एक इंच ऐसे नीचे की तरफ हमें मार्क कर लेनी है, चेन हमारी यहीं तक आएगी।
हम पहले इसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे और फिर अच्छे से जिप को देख लीजिए, ये जिप हमारी ऐसे आएगी तो फिर ऐसे आ जाएगी। तो ये वाला हमें यहाँ पे लगानी है। तो हम कैसे लगाएंगे इसको, इस तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जिप को, इसे अंदर की तरफ हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये इस जिप को ऐसे खोल के हमें यहाँ पे आधा इंच नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पे लगाएंगे। पूरा ये जो मार्क किए हमने यहीं तक लगाएंगे। ये एक साइड का मैंने ऐसे सिल लिए है, आप देख सकते हैं अगर मैं इसे ऐसे रखूं तो ये एकदम, ये इनविजिबल जिप है तो इसलिए एकदम इसे ऐसे खोल के इसके किनारे पे आपको सिलाई लगानी है तो फिर ये ऐसे इनविजिबल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, दूसरे साइड पे लगानी है। तो पहले हम ऐसे जिप को पकड़ के देख लेंगे, ऐसे आ रहा है इसका मतलब ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आने वाला है। तो अब हम इसे यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे रखेंगे और बिल्कुल उसने जैसे किया है वैसे ही इसमें भी करेंगे। थोड़ा सा पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और इस जिप को ऐसे खोल के एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। इधर भी हम जैसे वहां पे छोड़े हैं नीचे से आधा इंच, यहाँ पे भी हम आधा इंच छोड़ते हुए जिप को रखेंगे। आधा इंच छोड़ते हुए हम जिप को रखेंगे, भी लगा लिए हैं। अब आप, मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं ये मैंने ऐसे लगा लिए है, यहाँ पे थोड़ा फिर भी दिख रहा है। आप चाहे तो और भी ज्यादा ऐसे एकदम किनारे से आप सिलाई लगा सकते हैं, फिर भी ऐसा भी ठीक ही है। तो ये हमारी जिप लग चुकी है। अब सर ये जो है खुला हुआ, ये यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, ये एकदम उल्टे साइड पे इसको बिठा कर लेते हैं। अब हमें इसे ऐसे एकदम सीधा ऐसे यहाँ पे हमें हाथों से ऐसे फील करना है कि ये एकदम जिप का किनारा है, हमें यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सिल लेनी है। तो आइए सिल लेते हैं। तो सिल लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है जिप, इसे मैं अब कट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये हमारी जिप लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक हुक लगा लेनी है बस ऐसे, फिर हमारी ब्लाउज ये एकदम कंप्लीट। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद है अच्छा लगा। ये जो डिजाइन है ना, ये देखने में इतना सुंदर है, ये पहनने के बाद और भी ज्यादा इसका डिजाइन निखर के आएगी।
और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले ऐसे और भी सुंदर सुंदर डिजाइन आपको सीखने को मिले। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।